अणुवर्त विद्यालय के ऑनलाइन अध्ययन सत्र में आपका स्वागत है। मैं विष्णुकांत शर्मा कक्षा 7 के द्वितीय अध्याय विज्ञान विषय के अंतर्गत द्वितीय अध्याय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे प्राणियों में पोषण। कक्षा 7 का द्वितीय अध्याय पहला अध्याय हम अध्ययन कर चुके हैं, वो पादपों में पोषण था। पादपों में पोषण किस विधि से होता है, किस किस प्रकार के पादप हैं, पादपों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है, कौन कौन से पादप हैं जो परजीवी हैं, कीट भक्षी हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम प्राणियों में पोषण पढ़ेंगे। प्राणियों में पोषण किस प्रकार होता है, किस प्रकार प्राणी जो जंतु जगत है, ऐसा माना गया कि 10 लाख से अधिक प्राणी हैं विभिन्न प्रकार के, संख्या में 10 लाख जातियाँ बताई गई हैं, जिसमें मानव एक जाति होगी। अब इसमें तो अरबों की संख्या में हम, लेकिन एक मानव जाति केवल, वैसे ही 10 लाख उनकी पहचान की गई है कि प्रकृति में 10 लाख से अधिक जीव हैं, 10 लाख से अधिक प्रकार के जीव हैं, न कि 10 लाख जीव हैं, प्रकार के जीव हैं। तो उन 10 लाख से अधिक प्रकारों के जीवों की जो भोजन व्यवस्था है, वो किस प्रकार से भोजन लेते हैं, किस प्रकार से पोषण लेते हैं और उन्हें पोषण की आवश्यकता क्यों है, इन पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला ही बिंदु पोषण की आवश्यकता। पोषण किस लिए चाहिए, क्या आवश्यकता है पोषण की? किसी भी जीव को अपने कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा शरीर को विभिन्न गतिविधियों के लिए पोषक सामग्री उपलब्ध करवाती है, जिसके आधार पर मनुष्य अपनी क्रियाएं क्रियाकलाप करता है, प्राणी अपनी क्रियाकलाप करते हैं, चाहे वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कीट है या बड़े से बड़ा हाथी व्हेल मछली जैसे जीव हैं, उन सबको जीवन में कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा उससे किससे प्राप्त होती है, भोजन से। अब भोजन क्या है, उसके पोषण का माध्यम है, उसे पोषण देता है। वो पोषण किस रूप में प्राप्त होता है, किसी को तरल में, किसी को ठोस में, किसी को द्रव रूप में, अलग अलग रूपों में उसे प्राप्त होता है। उस पोषण से उसके शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और इसी प्रकार जीवन की विभिन्न क्रियाकलाप को करने के लिए प्रत्येक जीव को पोषण की आवश्यकता होती है। उस पोषण में उसे विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं और वे पौष्टिक तत्व ही उसके शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करते हैं। प्राणियों में पोषण, जितने भी जीव जगत हैं, जितना भी जीव जगत है उसमें पोषण है, वो दो विधियों पर आधारित है। सबसे पहले उसकी अंतर्ग्रहण की विधि, अंतर्ग्रहण का मतलब अंदर इनलेट करने की विधि, अंदर कैसे लेगा उसको। विभिन्न जीवों में अलग अलग है, जैसे मानव है हाथ से तोड़ा खाया, हाथी है सूंड से खा रहा है, छोटे कीट हैं जैसे दीमक है वो धीरे धीरे उसको चाट रही है, चींटी है उसको उठाकर ले जा रही है, उसकी खुशबू से जी रही है। हर जीव की अंतर्ग्रहण की विधि अलग अलग है। विभिन्न प्रकार के जीव, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उसके चारों तरफ एक दीवार बना लेते हैं, उसको अंदर की ओर कोशिकाओं के अंदर ले लेते हैं, जिसे कूटपाद बोलते हैं। तो बहुत सारे जीव हैं प्रकृति में, लाखों की संख्या में जीव हैं, उनके अंतर्ग्रहण की विधियां अलग अलग हैं। तो पहला इसका दो प्राणियों में पोषण दो विधियों पर डिपेंड करता है, पहले आहार अंतर्ग्रहण किस प्रकार होगा, दूसरा फिर उसको उपयोग कैसे किया जाएगा, उसे ठोस का ठोस खा लिया जाएगा या उसे तरल में बदला जाएगा, या उसको सीधा सीधा अंतर्ग्रहण करने के बाद अंदर जो पाचक रस होंगे वो उसे पचाएंगे। यानी भोजन के दो विधियों में सबसे पहला है अंतर्ग्रहण की विधि और फिर उसे अंदर पचाने की विधि, किस प्रकार किया जाएगा, ये दो विधियां प्राणियों में पोषण के ऊपर पोषण को निर्धारित करती है। तो प्राणियों में पोषण है वो दो विधियों पर डिपेंड करता है, आहार अंतर्ग्रहण की विधि और दूसरा है उपयोग की विधि, उसे अंदर कैसे उपयोग लिया जाता है। अब विभिन्न जीव हैं उनमें अंतर्ग्रहण की विधियां भी अलग अलग होती हैं। जैसे हम बात करते हैं खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियों की, तो सबसे पहला आता है मधुमक्खी। आपने देखा होगा मधुमक्खी और हमिंग बर्ड, ये दोनों पक्षी हैं, विश्व का सबसे छोटा बर्ड है ये हमिंग बर्ड। मधुमक्खी और हमिंग बर्ड फूलों से मकरंद चूसती है, ये फूलों से क्या करती है, रस को चूसती है। और आपने देखा होगा मधुमक्खी मकरंद को चूसकर क्या बनाती है, शहद बनाती है। तो मधुमक्खी और हमिंग बर्ड फूलों से मकरंद को चूसती है और उसको किस में कन्वर्ट कर, देखिए ग्रहण किस रूप में हो रही है, लिक्विड फॉर्म में ले रही है उसको मकरंद को, और किस रूप में बदल रही है, ठोस रूप में बदल रही है उसको। अंतर्ग्रहण की विधि है और उसको कन्वर्ट
कन्वर्ट किस में कर रही है, बदल किस में रही है, ठोस में। फिर हम जितने भी जंतु जैसे मानव है, गाय भैंस बकरी हैं, सभी अपने शिशुओं को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, और दूध पिलाकर उनसे उनमें पोषण प्राप्त होता है और वो बड़े होते हैं, उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर है सरीसृप, आपने देखा होगा सांप है, वो किसी जीव को तुरंत निगल जाता है, खाता नहीं है उस समय, तुरंत उसको निगलता है। एक सांप है जिसे कोबरा है या अजगर है, अपने पूरे शिकार को निगल जाता है। फिर उसके अंदर शरीर में जो पाचक एंजाइम होते हैं उसको धीरे धीरे गलाते हैं और फिर उससे उसको पोषण प्राप्त होता है। आपने कभी किसी सांप को चूहे को खाते हुए देखा होगा, वो खाएगा नहीं उसको, उसको निगलेगा, फिर अंदर उससे जठर रस पाचक एंजाइम छूटेंगे और वो उसको पूरे को गला देंगे और लास्ट में वो खत्म हो जाएगा और उसको ऊर्जा प्राप्त होगी। तो सरीसृप के जीव होते हैं वो क्या करते हैं, निगल जाते हैं, सीधा उसको निगल कर और अंदर पचा लेते हैं। उसके बाद जलीय जीव, जलीय जीव वो क्या होते हैं, प्लावक जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको छान कर फिर उसको अंतर्ग्रहण करते हैं, या उसको चारों तरफ एक जाली बना लेते हैं, उस जाली में छान कर जो उपयोगी होते हैं उनको रख लेते हैं, बाकी वो फेंक देते हैं। इस प्रकार विभिन्न जीवों में अंतर्ग्रहण की विधियां अलग अलग होती है, ये हमने अभी इनमें पढ़ा। इनमें लगभग पूरा जीव जगत आ गया है। पक्षी वर्ग है, वो भी चुग कर खाता है भोजन को, कंकड़ों में से दानों को अलग निकाल लेता है, ठीक है ना, बहुत सारे बहुत खाद्य पदार्थ भी खाते हैं। तो हर जीवों की अलग अलग कहानी है, जिसमें मधुमक्खी मकरंद के रूप में, जंतुओं में दूध के रूप में, सरीसृप में निगल कर, जलीय जीवों में छान कर भक्षण करने की, और पक्षियों में चुनकर खाने की आदत होती है। चलिए एक अद्भुत जीव स्टारफिश के बारे में पढ़ते हैं इससे आगे, ये कैसे अपना भोजन ग्रहण करती है, किस प्रकार। स्टारफिश यानी तारा मछली, ये प्रकृति का अद्भुत जीव है। आपको पता है प्रकृति में कठोर पदार्थों में कैल्शियम कार्बोनेट माना जाता है, जिससे हमारे शरीर की हड्डियां बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टारफिश यानी तारा मछली, यह कैल्शियम कार्बोनेट कठोर कवच वाले जंतुओं का भक्षण करती है। अब जिन जंतुओं के शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कठोर होते हैं, उन जीवों का यह भक्षण करती है। कैसे करती है, तो देखिए सबसे पहले ये अपने कवच को खोलती है। स्टारफिश है, इसका शरीर भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये अपने कवच को खोलती है। कवच को खोलते क्या बाहर निकलता है, मुंह बाहर निकलता है। मुंह बाहर निकलेगा और मुंह से क्या निकल जाएगा, बाहर आमाशय निकलेगा, जहां भोजन का पाचन होता है। सब में होता है आमाशय, हमारे में भी है, तो आमाशय बाहर निकलता है और ये फिर क्या करेगा, अपने मुंह से जंतु के कोमल भागों को खाएगी, मुंह से जंतुओं के कोमल भागों को खाएगी और खाकर उन्हें किस में डाल देगी, आमाशय में। कोमल भागों खाकर आमाशय में डाल देंगे और ये आमाशय कहाँ चला जाता है, वापिस शरीर के अंदर चला जाता है और आहार का फिर धीरे धीरे उसमें पाचन होता है। वही बात, सरीसृप वाली बात, अंदर से पाचक एंजाइम छूटेंगे और वो धीरे धीरे शरीर में भोजन का पाचन करेंगे। इस प्रकार आज हमने जो निम्नतम श्रेणी के जीव हैं उनके पाचन के बारे में पढ़ा। अगले अध्ययन सत्र में हम मानव में पाचन, मानव एक जटिल जीव है, उसके पाचन के बारे में पढ़ेंगे। आज इन सूक्ष्म जो निम्न श्रेणी के जीव है उनके बारे में अध्ययन किया, आज अगले सत्र में हम उससे अपर श्रेणी यानी उच्च श्रेणी के जीवों का अध्ययन करेंगे।